नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिका। आप लोग देख रहे हैं कार्तिका की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं, होली का त्यौहार आ रहा है तो गुझे होली के त्यौहार को घर घर बनाए जाते हैं, तो हम बताते हैं आज आपको ऐसे शानदार गुझे मज़ेदार कैसे बनाते हैं। वो आप हम गुझे को तोड़ के बता सकते हैं। हमारा कोई मसाला इसमें वो नहीं हो रहा, देखो बढ़िया मसाला है, बगन नहीं रहा है। तो चलते हैं, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने गुझे बनाने के लिए मैंने सारा सामान रख लिया है, तो मैं बताऊंगी। ये हमारा देसी घी है, और ये मैंने सूजी ली है, और ये कुछ मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और ये मैंने खोआ भी लिया है। मावा भी बोलते हैं इससे, और खोआ भी बोल देते हैं। तो ये मेरा गाय का है, आपको लग रहा होगा लाल लाल का पीला कैसा लगता है, तो ये हमारे गाय का दूध का बना हुआ है। और ये मैंने घरी का कद्दूकस बना दिया है, और ये कुछ मैंने इलायची ली है, तो इसको मैं इस खल्लड़ में अपनी में डाल के कूट दूंगी। और ये कुछ मैंने एक कटोरी किशमिश ली है। तो मैं सारे सामान को मिक्स कर दूंगी, फिर मैं बनाएंगे गुझे। तो मैं अपनी इलायची को पहले कूट लेते हैं। मैंने इलायची को पीस लिया है, अब मैं इसको मिक्स कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे किशमिश, और इसमें हम सूजी डाल देंगे अपनी। और इसमें हम अपनी पिसी हुई चीनी को डाल देंगे। और इसको हम ये खोआ मैंने अपना फ्रिज में रख दिया है, तो इसलिए ऐसा टाइट हो गया है, तो इसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे। में आराम से मिलाएंगे, हमारी परात भर चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अपना देसी घी। मैंने अच्छे मसाला बना के रख दिया है, अब मैं लगाऊंगी इसके लिए मैदा। अब मुझे अकेली मैदा की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसमें अब मैं अपनी मैदा को लगा के तैयार करके, ये हमारी मैदा है, उसकी मैंने छान के चलने से करके रख दी है। इसको धीरे मैदा लगाना चाहिए, टाइट लगाओगे ना तो फिर गुझे बना रहे। अब मैं हमारी मैदा लग के तैयार है, इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए इस कपड़े से ढक के। मैंने अपने गुझे के लिए मसाला तैयार कर लिया है, और मैंने मैदा भी लगा के तैयार कर दिए। 5 मिनट हो चुकी हैं, और इसमें हम लेंगे अब सूखी मैदा। और ये मैंने सांचा लिया हुआ है, ये प्लास्टिक का सांचा है। सांचा किसी का ले लो गुझा बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो मैं चलते हैं, अब अपना गुझे को बना के बताते हैं। तो मैंने थोड़ी लोई सी ली है, तो इसको मैं इसी तरह से बेल लेंगे।
तो मैंने गुजे के लिए पूरी बेल ली है ये। अब इस सांचे को मैं इसी तरह से सूखी मैदा में लगा देंगे कि इस सांचे की जगह होती है उसमें ये गुजा ना चिपके, तो इसलिए वो आप चाहो तो इस पूरी को भी ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें वो मैदा से वो चिपकेगा नहीं सांचे में। तो मैं इस तरह से इसको लगा देंगे सांचे में, और इसी तरह से अंदाज में आप अंदाज कर सकते हैं एक चम्मच बनेगा मसाला के या दो, तो मैंने इसमें 2 चम्मच मसाला भरा है और मैं इसको इसी तरह से दबा लूँगी और इसको मैं इस तरीके से पानी लगा दूँगी इसी तरह से, तो पानी से ये क्या है मैदा आपस में दोनों तरफ से चिपक जाएगी। तो मैं इसको इसी तरह से मोड़ देंगे और इसी तरह से इसको हम हटा देंगे। तो मैंने गुजा अच्छे से भर गया है, आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार भरा है, अच्छा लग रहा है हमारा गुजा बनाने में। तो मैं इसको मैंने अपना सूप बोलते हैं गांव में, तो मैंने सूप लिया है, तो मैं इसको इसी सूप में लगा देंगे। तो मैं अभी एक खट्टी पूरी दो बना लेंगे उसके बाद भरेंगे। आपको ना बेलवाएं तो दोबारा से भी मैदा में सूखी में लगा सकते हैं, तो इसी तरह से बेल सकते हैं। मैंने ये भी बेल लिया, एक और भी बेल लेंगे। अपने पास पूड़ी को बड़ा ही बनाना चाहिए, क्यों गुजे में कम ना पड़े, सांचे में कम पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है बनने में गुजे को, और पूड़ी को ज़्यादा पतली और ना मोटी, मीडियम साइज की पूड़ी बनाना चाहिए। तो मैं सांचे को दोबारा से भर देंगे। पानी ध्यान से जरूर लगा लेना, नहीं पानी नहीं लगाओगे तो आप उसमें पूरी ना चिपकेगी, तो उसका मसाला बाहर आ जाएगा निकल के। हमारा दूसरा भी गुजा अच्छा बन चुका है, मैं इसी तरह से लगाते जाएंगे इसमें। हमारे गुजे एक भी नहीं बिगड़ा, मैंने 2-3 गुजे बना लिए। हमारे गुजे बनके तैयार हैं, वो मैंने कढ़ाई गैस पे गरम होने के लिए रख दी है, हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, उसमें हम डालेंगे रिफाइंड।
हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम सेकेंगे अपने गूजे। तो मैं इसमें गूजे डालेंगे, मेरी चौड़ी कढ़ाई है तो मैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं गूजे इसमें, आराम से सेक जाएंगे। तो हम गूजे को पलट देंगे, हमारे गूजे सिक चुके हैं, मैं निकाल लेंगे। मैं अपने गूजे को इस भगोनी में रख दूंगी अपने में। इनको पलट देंगे, अब मैं इनको निकाल लेंगे। हमारे गूजे बनके तैयार हैं, गरम गरम गूजे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।